अरे लाइट आ गई। We go once last from right to left. Yeah. मैं उधर का हूँ। Yeah. Let them. Right back. थैंक यू। बाइट्स बाइट्स। देखिए ये फेमिना फ्लॉन्ट है, ये एक ब्यूटी स्टूडियो है और आपको पता है लड़कियों की फेवरेट जगह यही होती है। यहाँ पे आप अपना मैनीक्योर पेडीक्योर हेयर कट हेयर कलर अपना पर्सनैलिटी को और भी निखार सकते हैं। और हम और मेरे लिए तो रिलैक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे यही सब है, रिफ्लेक्सोलॉजी और कुछ ऐसा ही बहुत पसंद है, तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी जगह। एंड कंगना, पर से लेकर आपकी अगर बात करिए तो किस तरीके का हेयर एंड मेकअप आप पसंद करते हो? लाइट आई लाइक वेरी मिनिमलिस्टिक इफ यू आस्क मी, एंड हेयर ऑल्सो आई लाइक टू कीप माई हेयर नेचुरल व्हेन आई कैन, सो या समथिंग जो मेरी पर्सनैलिटी को ज़्यादा ना चेंज करे, समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, अक्सर सब यही चाहते हैं कि मेकअप से दूर रहे जब अपने स्पेस में हैं, क्योंकि थोड़ा आप एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, आप एक ढंग से नहीं तो दिखना नहीं चाहते, आप एकदम अपने आप को ईजी रखना चाहते हैं। So I think that's what everyone likes. Okay, Kangana, इसी के साथ कोई मेकअप को लेके कोई ऐसी कोई याद है जो आपको कुछ आपको याद आती हो, कुछ पहले आपके कोई मेकअप की कोई आप शेयर करना चाहें? So हम लोग जैसे छोटे थे जब बचपन में तो एक्सपेरिमेंट्स होते थे घर पे, तो वही मेरी मम्मा के पास तो ज़्यादा मेकअप नहीं था, बट मेरी चाची जी की नई नई शादी हुई थी तो उनके पास भी मेकअप पूरा बॉक्स था, तो देख के हम लोग एकदम हैरान हो गए थे कि मस्कारा रूश ये सब देख के हमने कभी देखी नहीं थी ऐसी चीज़ें। और मैं काफ़ी छोटी थी, 4-5 साल की, तो फिर मैं ब्यूटिशियन बनने की एक्टिंग करती थी और सबको जिसको भी चाहे दादी हो चाहे उनको वो उनको वो मतलब पूरा मेकअप करती थी। तो ऐसा कुछ फॉन्ड मेमोरीज हैं बचपन की। जी वर्णकम आया तुमको समझ? सो ऑफ कोर्स मेरे को तमिल बहुत मुश्किल लग रही है एक्चुअली में, तो फिल्म हिंदी में भी है तमिल में भी है, कुछ करेंगे अभी ऑब्वियसली वो डायलॉग्स रटने पड़ेंगे।